So let us discuss the next question, number 3 from IES paper 3 2023. Okay, discuss the price mechanism and the necessary conditions which allow an established firm to prevent entry from outside in an oligopolistic market. Okay, so first of all, we know that oligopoly market is characterized by very few number of firms, right? Small number of firms dominating the industry. Okay, now there are various strategies to cut the competition, right? One such strategy is all we know to create barriers for the others to enter. Also, in order to minimize the competition within themselves and earn joint profit, so they also form cartels. So these are different ways in which oligopoly acts, right? So the pricing mechanism can be used strategically to discourage potential entrants and maintain the established firm's market position. So few key factors let us discuss. What are the conditions that can allow an established firm to prevent the entry of the other in the oligopolistic market, right? So to begin with, number one, let us say economies of scale. Okay, so one condition is of economies of scale. So we know that this is one of the cost advantageous condition, right? What is economies of scale? Economies of scale means agar economies of scale kisi firm ke paas hai to uske paas kya ho jayega, increasing returns to scale hota hai, right? Increasing returns to scale yani ki agar input ek unit increase hoga to output ek unit se zyada increase hoga, yani ki return zyada aayega. तो आप समझ सकते हैं कि इनपुट इंक्रीज से ज्यादा अगर आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है तो यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अगर किसी फर्म के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो वो इजीली स्ट्रेटेजिकली क्या कर सकता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है ना, इन विद कॉस्ट एडवांटेजेस सिचुएशन, जो कि दूसरे फ्रिंज फर्म स्मॉल फर्म जो कि कम्पीट करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे. ऐसे में वो अपना पोजिशन मेंटेन करके रख सकता है. तो पहला इसीलिए हो गया हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल. दैट इज एन एस्टेब्लिश्ड फर्म कैन लेवरेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच रेफर्स टू कॉस्ट एडवांटेज that arises from large scale production by operating at a larger scale and achieving lower average cost. The established firm can offer competitive pricing that may be difficult for new entrants to match, right? दूसरा हो जाता है pricing below the entrance cost curve. ए वन और टू काफी रिलेटेड है, क्योंकि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो वो लोअर प्राइस चार्ज कर सकता है क्योंकि उसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन न्यू एंट्रेंट के लिए उतने कम दाम में वो प्राइस में अपना प्रॉफिट मेंटेन करके रखना, दैट विल बिकम डिफिकल्ट. तो ऐसे में द न्यू फॉर्म विल बी डिस्करेज्ड एंड दे विल एक्चुअली इवेंचुअली विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द कंपटीशन एंड लीव द मार्केट. तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि जहाँ पे एन एस्टेब्लिश्ड फॉर्म कैन स्ट्रेटेजिकली सेट प्राइसेस बिलो द पोटेंशियल एंट्रेंस कॉस्ट कर्व, मेकिंग इट अनप्रॉफिटेबल फॉर द एंट्रेंट टू एंटर द मार्केट. सो दिस प्रेडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एम्स टू डिस्करेज न्यू कॉम्पिटिशन बाय क्रिएटिंग अ प्राइस लेवल दैट इज अनसस्टेनेबल फॉर देम. दूसरा और तीसरा है प्राइस लीडरशिप. तो हमें पता है कि ओलिगोपॉली मार्केट में जो पहले से जो फॉर्म्स होते हैं उनमें एक जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो लोग ले सकते हैं. उसमें जो डोमिनेंट लीडरशिप रहता है, प्राइस लीडरशिप, दे आर द वन हु आर गोइंग टू सेट द प्राइस एंड द अदर्स आर गोना फॉलो, राइट? तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो न्यू एंट्रेंट्स है उनके लिए उस प्राइस को मीट करना, उसी प्राइस में रख के सेल करना, दैट बिकम्स अ चैलेंज. सो इन सम ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट एस्टैब्लिश्ड फर्म मे एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द प्राइस लीडर बाय कंसिस्टेंटली सेटिंग प्राइसेस दैट अदर फर्म्स इन द मार्केट टेंड्स टू फॉलो. तो द एस्टैब्लिश्ड फर्म कैन मेक इट चैलेंजिंग फॉर द एंट्रेंट्स टू कम्पीट ऑन प्राइसेस एंड गेन द मार्केट शेयर, करेक्ट? उसके बाद जो दूसरे पार्ट से जाते हैं कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, ये सारे कुछ रीजंस यहाँ पे आ जाते हैं. जैसे कि जो ब्रांड लॉयल्टी का क्या मतलब होता है कि उसका एक रेपुटेशन होता है ना, कि हाँ हम लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, सो वी विल ऑलवेज यूज दैट. जो नया कोई ब्रांड आएगा वही सेम चीज़ का, मानो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है जिसका बहुत पुराना है मार्केट पर, उसका काफ़ी रेपुटेशन है, करेक्ट? उस बट सेम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का अगर कोई नया ब्रांड आएगा सो पीपल विल नॉट ट्रस्ट दैट, राइट? सो ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है, जिस वजह से जिसका जो ऑलरेडी पोजिशन है मार्केट में वो बना रहता है, लेकिन जो नया एंट्रेंट होता है उसको नए तरीके से बनाना पड़ता है. सो एन एस्टैब्लिश्ड फर्म मे हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन एंड लॉयल कस्टमर बेस ओवर टाइम. सो दिस ब्रांड लॉयल्टी कंबाइंड विथ हायर कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द न्यू
in trying to attract customer away from the already established firm, right? They are already loyal towards that, right? तो पहले तो ट्रस्ट जीतो, फिर अपना एक रेपुटेशन बनाओ, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सो यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, राइट? यानी कि अवेलेबिलिटी, राइट? अवेलेबिलिटी, कॉन्टैक्ट्स बनाना कि मेरा जो पर्टिकुलर ब्रांड है, सपोज नया ब्रांड है, तो उसको सप्लायर के पास देना, सप्लायर को कन्विंस करना कि टू हैव देयर प्रोडक्ट्स एंड देन सेल इट इन द मार्केट, क्योंकि सप्लायर वही प्रोडक्ट रखेगा जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड, क्योंकि लोग वही खरीदेंगे, वही पूछेंगे, राइट? तो यहाँ पे ये कनेक्शन बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो एन एस्टैब्लिश्ड फर्म ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप एंड दैट एक्सक्लूसिव कॉन्टैक्ट विद की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, राइट? सच एज रिटेलर्स और होलसेलर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस एक्सेस कैन क्रिएट बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्रेंट्स हु मे स्ट्रगल टू यू नो सिक्योर सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, विनिंग द ट्रस्ट ओवर नॉट ओनली ऑफ द बायर्स बट ऑल्सो द सप्लायर्स, दैट दे हैव टू कन्विंस देम दैट येस देयर प्रोडक्ट्स आर गुड एंड दे कैन सेल देम, सो द बायर्स कैन बी सैटिस्फाइड. सो दीज आर ऑल द रीजन्स. इसके बाद रेगुलेटरी बैरियर्स जो आ जाते हैं, जैसे कि यू नो लाइसेंसिंग पॉलिसीज कर देना, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पुट कर देना, यू नो डेफरिंग द न्यू एंट्रेंट्स एटसेट्रा, डायरेक्ट पुटिंग द बैरियर्स वाया डिफरेंट मीन्स. सो ये सारे रीजन्स जो हो गए, क्या हो जाएगा कि सारे स्ट्रैटेजीज जो है क्या हो जाता है, थ्रू ऑल दी स्ट्रैटेजीज द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म कैन प्रिवेंट एंट्री एंड कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल सिक्योरिटी इन सम ज्यूरिसडिक्शन एज दे मे बी परसीव्ड एज एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस. देयरफॉर फर्म्स मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स गवर्निंग देयर एक्शन. सो दैट्स ऑल फॉर द आंसर.